हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम मारुति वेगनार पर काम करने वाले हैं। इस गाड़ी का फ्रंट राइट साइड डैमेज हो गया है। गाड़ी का काम इंश्योरेंस क्लेम में होने वाला है, जिसमें हम बोनेट, राइट साइड की हेडलाइट, बम्पर, फ्रंट ग्लास और मेंबर फ्रेम को चेंज करके नया लगाएंगे। इसके अलावा हम राइट साइड के अपरोन और फेंडर को रिपेयर करेंगे। काम की शुरुआत करते हुए हम गाड़ी की फ्रंट फिटिंग्स खोलकर डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम अपर और लोअर मेंबर फ्रेम को गेज कटर से काट कर निकाल देंगे और उसके बाद हम अपरोन को बॉडी जैक के जरिए सीधा करेंगे। अपरोन को रिपेयर करने के बाद अब हम मेंबर फ्रेम को अपरोन पर वेल्ड करके सभी पार्ट्स को दोबारा लगाकर उनकी फिटिंग्स चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फेंडर को भी रिपेयर करेंगे ताकि दूसरे पार्ट्स के साथ में उसकी भी फिटिंग चेक हो सके। गाड़ी पर सभी फ्रंट पार्ट्स की फिटिंग हमने चेक कर ली है। सभी पार्ट्स अपनी जगह पर अच्छे से फिट हो गए हैं। अब हम उन्हें वापस खोलकर पेंट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम फेंडर पर बॉडी फिलर भर रहे हैं। बॉडी फिलर के सूखने के बाद उसकी सैंड पेपर से कटाई की जाती है ताकि फेंडर का शेप पहले जैसा हो सके। इसके बाद बॉडी फिलर पर पुट्टी भरी जाती है और पुट्टी के सूखने के बाद उसकी पानी में भीगे हुए सैंड पेपर से मंजाई की जाती है। ऐसा करने से फेंडर का सरफेस काफी स्मूथ हो जाता है। फेंडर का सरफेस स्मूथ होने के बाद अब हम फेंडर पर प्राइमर मारेंगे, जिससे पेंट की कवरिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है।
प्राइमर के सूखने के बाद इसकी भी पानी में भीगे हुए सैंडपेपर से मंजाई की जाती है, जिससे फेंडर की स्मूथनेस और भी बढ़ जाती है। प्राइमर मारने के लिए हम बिल्ड स्किल की 4100 एयर असिस्टेड स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हमने बिल्ड स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा है। ये एक इंडियन ब्रांड का काफ़ी अफोर्डेबल स्प्रेयर है, जिसे आप बिल्ड स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हो। इनकी वेबसाइट पर और भी बहुत से हैंड और पावर टूल्स काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिलते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। प्राइमर की मंजाई करके उसे स्मूथ करने के बाद हमने गाड़ी की मास्किंग कर ली है और अब हम पेंट मारना शुरू करेंगे। गाड़ी का कलर ब्रीज ब्लू है और ये एक मेटालिक पेंट है। अब हम गाड़ी के बम्पर को पेंट करेंगे और बम्पर पेंट करने से पहले उस पर हम प्लास्टिक प्राइमर की कोटिंग कर रहे हैं, जिससे पेंट बम्पर पर मजबूती से पकड़ कर ले। गाड़ी के सभी पार्ट्स का पेंट सूख जाने के बाद अब हम उस पर क्लियर कोट मार रहे हैं। क्लियर कोट की वजह से ही गाड़ी को एक बहुत ही बढ़िया शाइनिंग लुक मिलता है। गाड़ी का पेंट पूरी तरीके से सूख जाने के बाद अब हम गाड़ी की फिटिंग का काम शुरू करेंगे और साथ ही फूटे हुए फ्रंट ग्लास को भी चेंज करेंगे। फाइनली मारुति वेगनार पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है।
गाड़ी के डेंट पेंट का टोटल खर्च 12,000 रुपये हुआ है और जो भी बॉडी पार्ट चेंज हुए हैं उनका खर्चा अलग से लगा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।